सात में से चार फेजेस में पोलिंग हो गई है, संडे को पांचवा फेज भी हो जाएगा। और क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें तो अभी स्लॉग ओवर शुरू होने वाले हैं, मतलब अब हर बॉल पे बाउंड्री सर्च नहीं क्रॉस की जाएगी। सो हेलो एंड वेलकम टू एन इलेक्शन स्पेशल सीरीज ऑन द देशभक्त, जिसका नाम है यूपी के पीलीभीत में इलेक्शंस ऑफिसर्स हैरान हो गए क्योंकि उन्हें पोल कंट्रोल रूम में 34 न्यूली इंस्टॉल्ड सीसीटीवी कैमरास टूटे हुए नजर आए। बिल्कुल, ये वारदात हैरान करने वाली है, मतलब सीसीटीवी कैमरा चोरी हो तो समझ आता है लेकिन तोड़ना हैरानी। लेकिन जब इस पे इंक्वायरी बैठी तो समझ में आया कि इसके पीछे किसी का हाथ नहीं बल्कि पूंछ थी। जी हाँ, ये तो झरकत बंदरों के गिरोह ने की थी। देखिए, ये बिल्कुल हंसी मजाक वाली खबर नहीं है। एक्चुअली इस मामले में 7 बंदरों को पकड़ भी लिया गया है, लेकिन चिंताजनक बात ये है कि कुछ बंदर अभी भी फरार है। बंदरों पे पोलिंग स्टेशन में घुस के सीसीटीवी तोड़ना, कुर्सियां तोड़ना और टेंट फाड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। और उनका ये अननेसेसरी वायलेंट अग्रेसिव बिहेवियर देख के मुझे अपने हॉस्टल की फेयरवेल पार्टी याद आ गई। खैर, यूपी में बंदरों के इस बढ़ते आतंक को रोकने के लिए हम अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज को भी आत्मचिंतन करने को मजबूर कर देगी। और इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का नाम है लंगूर। जी हाँ, यूपी में अब लंगूरों की भर्ती हो गई है बंदरों को भगाने के लिए। मतलब हमारा देश इतना आगे निकल गया है कि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी देश की प्रगति के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। एंड नाउ डोंट बी सरप्राइज्ड अगर 26 जनवरी की परेड पे आपको बहादुर बच्चों के साथ साथ बहादुर लंगूर भी हाथी की सवारी करते दिखाई दे। वैसे यूपी में बंदरों की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। इससे पहले लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पे गुस्साए लंगूरों की रिकॉर्डेड आवाजें चलाई गई थी बंदरों को भगाने के लिए, जिससे थोड़ा फर्क भी पड़ा, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए वहां पे लंगूरों के कटआउट्स लगवा दिए। See, modern problems require modern solutions is a very western way of thinking. और हम लोग तो वैसे भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा traditions में चलने वाली सोसाइटी हैं। और जहां तक लंगूरों की बात है बेटा, याद रखना जो है तुम अपने बंदर भाइयों के साथ कर रहे हो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एंड जैसे ही तुमसे काम खत्म होगा ना, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, क्योंकि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियंस जनता के बीच जाके जो भी उन्होंने काम किए हैं उनको गिनवाते हैं, लेकिन क्या होता है अगर आप बिना कुछ किए ही वोट मांगने चले जाओ तो? शर्म इतनी भी नहीं है, बोर्ड के पीछे सोच ईमानदार काम दमदार लिखवा रखा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे ये थे रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी के विधायक मिस्टर भूपेश चौबे, जो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कान पकड़ के फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया इंटरप्रिटेशन देते हुए नजर आए। खैर, वैसे जिन नेताओं को पब्लिक अपने गांवों से दौड़ा रही है उससे तो कम एम्बैरेसिंग ही है ये उठक बैठक का वीडियो। एंड ऑनेस्टली आई रियली डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट इन यूपी इलेक्शंस। अगर कल को यूपी में आपको कोई मुर्गा पान थूकते हुए मिल जाए तो हैरान मत होना, हो सकता है वो पनिशमेंट पे कोई बीजेपी का एमएलए हो। कैसा लगा मेरा मजाक? बलिया में समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट नारद राय अपनी कैंपेनिंग के दौरान भावुक हो गए, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उनकी रैली में जन सैलाब आ गया था, बल्कि वो इसलिए भावुक हो गए क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान उन्हें अपने ही घर में देखने को मिला बीजेपी का झंडा। अब हुआ ये कि उनके बड़े भाई वशिष्ठ राय सपोर्ट करते हैं बीजेपी के कैंडिडेट को। अब दोनों भाई एक ही मकान में रहते हैं और उसी मकान पर वशिष्ठ राय ने अपनी वरिष्ठता दिखाते हुए बीजेपी का झंडा लगा दिया, जिसको देखकर छोटे भाई नारद राय पहले भावुक हो गए और बाद में बेहोशी हो गए। अब क्या ये सिंपथी कार्ड खेल रहे हैं या जेन्युइनली बेहोश हो गए? आई डोंट नो एंड यू डोंट केयर। All I care about is वो छोटे भाई को अपने बड़े भाई से बदला लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। I suggest उसको अपने घर की doorbells को अखिलेश की speeches से replace कर देना चाहिए। भाई की गाड़ी बेच के साइकिलें खड़ी कर दो, और नहीं तो बड़े भाई के सारे महंगे perfumes बेच के समाजवादी इत्र से replace कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बीजेपी की फैलाई नफरत दूर होगी। अब बात करते हैं उस स्टोरी का जिसका हमारे मीडिया को बेसब्री से इंतजार था, कि आखिर मोदी जी उन्हें गोद कब लेंगे, सॉरी कि आखिर वो पीली साड़ी वाली मैडम कहाँ है? याद है ना आपको पीली साड़ी वाली ये चुनाव अधिकारी? और नहीं भी है तो तुम कहाँ भूलने दोगे? अगर आज भी आपकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं चल रहा है तो आपको याद होगा कि 2019 इलेक्शंस में ये पीली साड़ी वाली मैडम का फोटो वायरल हो गया था, और जिसके बाद हमारे मीडिया ने इसमें कटिंग एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था और ढूंढ निकाला था कि ये पीली साड़ी वाली मैडम एक्चुअली एक चुनाव अधिकारी थी। रातों रात जिस महिला चुनाव अधिकारी ने लाइमलाइट लूटी थी। लूटी क्या थी, वो क्या ईवीएम में लेके जा रही थी? और इस बार भी जाग गया है हमारे सोए हुए मीडिया का क्यूरियोसिटी का कीड़ा, और एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि बहुत चर्चा थी। ये चर्चा जोर शोर से थी कि वो पीली साड़ी वाली महिला चुनाव अधिकारी कहाँ है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो चर्चा सिर्फ इनके न्यूज रूम्स में ही थी। ये कुछ हेडलाइंस देखिए, ऐसा लग रहा है सबका दिमाग उनकी पैंट में। बदल गया पीली साड़ी वाली रीना द्विवेदी का गेटअप, ब्लैक स्लीवलेस टॉप और ट्राउजर में पहुंची मतदान ड्यूटी पर।
पोलिंग एजेंट को देखकर बॉलीवुड को भूल जाओगे आप। वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई रीना द्विवेदी, देखिए तस्वीरें। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या रीजन हो सकता है ये रीना द्विवेदी की पॉपुलैरिटी का। मतलब ऑब्वियसली वहां से व्यूज और टीआरपी तो आ ही रही है, लोगों को पॉलिटिशियंस की सड़ी हुई शक्लें देखने से ब्रेक भी मिल रहा है। लेकिन एक और रीजन भी है। देखिए रीना जी सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी मोटिवेटेड दिखाई देती है। मतलब वो स्टाइलिश है, कॉन्फिडेंटली स्माइल भी करती है, एंड लेट्स फेस इट, दिस इज नॉट समथिंग दैट आवर सोसाइटी इज प्रिपेयर्ड टू हैंडल। मैं तो सिर्फ स्माइल देती हूं। और ये रिपोर्टर की स्माइल देख रहे हो, ऐसे लग रहा है इसका फोटो वायरल हुआ हो। आई जस्ट होप ये मीडिया वाले रीना द्विवेदी के घर जाके उनका एड्रेस लीक ना कर दें, क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को स्टॉकिंग में बदलते देर नहीं लगेगी। खुले में हकना बंद करो। हाथरस में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था करवाई गई। लेकिन 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 देयर इज अ बिग लेकिन, पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे। ये जो देश है, मैं इस पे जोक मारने का ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ। मेरे को बस एक चीज नहीं समझ में आ रही कि किसी ने ये सेल्फी पॉइंट को उठा के बाहर रखने का क्यों नहीं सोचा। क्या था ये, उठा के बाहर फेंक, मतलब रखाते। मैंने देख लिया, यहाँ पे बस लोगों को अपना काम खत्म करना होता है, जो बोला है वो कर दिया। अब जिसको दिक्कत है वो खुद रख के आओ, नहीं तो वैसे भी सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी खिंचवाने के लिए कोई मरे नहीं जा रहा है। Now let's talk about the most important election news of the week. जी हाँ, चुनावों में मच गया है गदर, क्योंकि आप मुझे अच्छे लगने लगे, इसीलिए मैं आपको अपना हमराज बना के कहना चाहता हूँ कि किससे प्यार है? अमिताभ जी से प्यार है। कानपुर में अमीषा पटेल समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंची, अपने खास सिग्नेचर कहो ना प्यार है अंदाज में। और जैसे हर अवार्ड शो में रेखा जी पाई जाती हैं, वैसे ही हर इलेक्शन में अमीषा पाई जाती हैं। बेंगाल में टीएमसी के एक कैंडिडेट का प्रचार करते वक्त भी अमीषा का गो टू मूव था उनका खास सिग्नेचर कहो ना प्यार है अंदाज। देखिए बॉलीवुड वालों के लिए इलेक्शंस इज लाइक अ पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, और अमीषा ने तो इसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी। जैसे कोबरा पोस्टिंग में जब उन्हें पैसे देके बीजेपी का प्रमोशन करने को बोला था, वो तब भी मान गई थी। सो अमीषा की आइडियोलॉजी हमेशा से क्लियर रही है, पार्टी चाहे किसी की भी हो, वो अपनी महफिल खुद जमा लेती है। ये इतनी अच्छी एक्टिंग मूवीज में क्यों नहीं करती, मतलब कैरेक्टर में इतना घुस गई कि पूरी बॉडी ने ही झटका मार दिया। यूपी इलेक्शंस में स्ट्रे कैटल का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, और किसानों का कहना है कि वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते हैं और रात को उसकी पहरेदारी। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि दिन भर हम लोगों को अपना खेत की निगरानी करना पड़ता है, चौकीदारी करना पड़ता है। देखिए यहीं पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया। ये सरकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, चौकीदार ट्रेनिंग, लेकिन शायद मोदी जी की तपस्या में थोड़ी सी कमी रह गई, इसीलिए वो दिए गए प्रकाश जैसा सत्य भी किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम से एक और फायदा हुआ है जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो फायदा हुआ है खेतों में कटीली तारे लगाने वाले बिजनेसेस का। मतलब एक बीघा जमीन में कम से कम किसानों को 10,000 रुपए से ज्यादा का तार लगाना पड़ रहा है। सो बेसिकली यूपी में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम करने में लगी है कि किसानों के खर्चे भी बढ़े और उनकी फसलें भी खराब हो। ऐसे में सरकार से सिर्फ वादे नहीं बल्कि इस समस्या पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। Hi guys, hope you like this episode. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने 5 दोस्तों के साथ हमारा वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके दोस्त नहीं है तो फिर आत्मचिंतन करें। My name is मनोज और आप देख रहे थे